thing you can expect from me, and that's the unexpected. 'Cause I'm an international super spy. Super spy! कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए बहरिया टाउन जा रहे हैं। हाय गाइस, सो दिस इज़ मी नेहा खान एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग ऑन नेहास थॉट। एज इट्स माय फर्स्ट व्लॉग, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस एंड रिमेंबर व्हेनेवर आई हैव टू रिकॉर्ड एंड शूट द मोमेंट्स। चलो जी, इंट्रो तो साडा बड़ा वधिया जा अंग्रेजी च हो गया, हुन चलो आ जांदे हैं पंजाबी ते उर्दू ते। इतनी मुश्किल से याद किया है ना, कसम ले लो, अल्लाह पाक की कसम, मम्मा की कसम, बड़ी मुश्किल से याद करके पंजाबी बोली है। वेल, हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, जहाँ पे मैं जा रही हूँ मामू के घर एंड इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग टू गो फ्रॉम कराची टू बहरिया टाउन। बहुत लंबा रास्ता है, इतना लंबा मैंने बोल दिया तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि रास्ता जो है वो कितना लंबा है। खैर, हम लोग मज़े से बातें बातें करते हुए बहरिया टाउन जा रहे हैं और थोड़ी देर में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ईद कैसी रही। ईद का शुरुआत हमारा जी कुछ इस तरह हुआ कि हम पूरी रात जाग रहे थे क्योंकि महामा जी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनका ख्याल रखना था। और 6:30 बजे सोने के बाद हमें 7 बजे कॉल आती कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनको चेक कर लिया जाए, उनका ख्याल रख लिया जाए। तो हमने भाई उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया और उनको ख्याल रख के उनको सुला दिया गया, वो सो गए और पूरी रात के जाके हुए हम स्लीपलेस नाइट्स। फिर आती है हमारी ये जो मलाइका है, अल्लाह की कसम मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, बट मामी जान ने कहा कि लगा दो, तो आई लाइक ओके नॉट, मतलब बच्ची है क्या कहेगी। तो हमने भाई मेहंदी लगाना शुरू कर दी और हमने जो गंदे मंदे डिज़ाइन आ रहे थे मैंने वो लगा दिए, एंड इन द लास्ट शी वाज लाइक आई डोंट लाइक, इट्स टू बैड। फिर हमने टिकटॉकर्स के साथ सस्ती ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, बट हमारे पास कपड़े इस्त्री हो जाए तो फेंकने का दिल नहीं करता। फिर हमने पजामा फेंका, शर्ट फेंकी, दुपट्टा तो फेंक दिया तो फिर ये ठुस 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 गया। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, या गुड। हमारे अब्दुल हादी साहब माशाल्लाह से तैयार हो गए थे और ये टिक नहीं कर सकते तैयार होने के बाद, ये इनकी हरकतें शुरू हो गई। क्योंकि फिर हम जिंदगी से आवाज़ार हो गए थे, हमने बच्चों के साथ छुपन छुपाई के लिए यस यस हाइड एंड सीक। फिर ये हमारे मेसी और जूजू, मेसी जो बंदा है इट्स सच अ मेस, ऑब्वियसली नॉट बंदा, ये जो हमारा कुत्ता है टिक कर नहीं बैठता। फिर ये हमने सस्ती तरीन चीपेस्ट स्लो मोशन बनाने की कोशिश की। एक्चुअली मैं यहाँ पे गई थी कि मैं छत से घूमूंगी और वो मज़े की स्लो मोशन बनेगी, मेरे बाल इधर उधर जा रहे होंगे क्योंकि मेरे बाल जब मैं नहाती हूँ तो कर लिए होता, तो मैंने कहा बस इतने मज़े के कोई स्लो मोशन बनेंगे। लेकिन जब हम नीचे गए तो हमारे बाल एक जगह टिक ही नहीं रहे थे क्योंकि बहरिया टाउन में ऐसे हवा चलती है जैसे मुफ्त में, तो बस हवा चल रही थी और मैंने कहा बस नहीं, हाँ टिक करके खड़े हो जाओ, हवा खुद ही आपके बालों को भी उड़ा देगी और कुछ ना कुछ तो बना ही देगी। तो फिर और हवा इतनी तेज थी कि तो बस हमने इस तरह रिकॉर्ड कर लिया और ये एंड में हमें बाल, ये भी हमारी दूसरी वीडियो भी ऐसी थी कि इसमें हमारे बाल ही उड़ रहे थे। स्लो मोशन में आपको कुछ ना कुछ बस आहिस्ता से दिखाना होता है कुछ मज़े का, लेकिन हमारे पास कुछ मज़े का दिखाने को नहीं था। और शूट करने के लिए हमने भेजा था महाबाजी को, तो महाबाजी इस सच अ बैड फोटोग्राफर, इतनी गंदी पिक्चर लेगी आप कहेंगे अल्लाह माफ़ करे। मतलब खुद से बंदा कहता ना, इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाती कि यार इतने बुरे हैं हम, मतलब आप इसको खड़ा कर दो पिक्चर्स लेने के लिए, तबाही मचा देती है, लेकिन इसको अपनी पिक्चर्स अच्छी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक स्लो मोशन पहले बनाया था जिस पे मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिले, तो मैंने कहा एक बार फिर ज़रा भाग दौड़ लगाई जाए। इसमें मैंने पकड़ाया मलाइका को कि चलो यार आप बना दो, और मैं सीढ़ियों पर भागना शुरू कर दिया और ये मैं जा रही हूँ, मलाइका स्टॉप नहीं कर रही है, मैं उसको बोल रही थी मलाइका स्टॉप इट, मलाइका बेबी स्टॉप इट, बट शी कुडंट हियर मी फ्रॉम अप देयर। तो मैं मुझे ऊपर तक भाग के जाना पड़ा और ऊपर से फिर मुझे वापस भाग के नीचे आना पड़ा और उसको बोलना पड़ा कि बेबी रोक दो, होनते रोक दो, बस हो गई है मेरी तो फिर कैमरे की भी बस हो जाती है जब आप स्लो मोशन बनाते हैं।
बस यहाँ पे जाके मैंने रोक दिया। फिर एट दिस पॉइंट जूजू इज़ लाइक इनोसेंट बेबी एंड आई एम जस्ट पेटिंग हिम। और फिर मैंने देखा हादी साहब नीचे बैठे हुए हैं और मैसी मेरे पास आ चुका है और मैसी साहब ने मैस डालना शुरू कर दिया, दुपट्टा खींचना शुरू। यहाँ पे सब सो गए थे ऑलमोस्ट, तो मैं और बच्चे बैठ के हम लोगों ने कार्टून देखे। हमने देखा था फाइंडिंग डोरी और ये पता नहीं क्या लग गया था यार यूट्यूब पे। फिर हमने ये टर्टल्स वाली कोई थी, इसमें से छोटे से सुराख में से छोटे छोटे टर्टल्स निकल रहे हैं और ये जो एक है वो रह जाएगा, बाकी सारे टर्टल्स ये मटक मटक के निकल गए सारे के सारे। फिर हादी साहब ने कहा भाई मुझे तो पॉपकॉर्न चाहिए, वी आर वॉचिंग मूवी एंड आई वॉन्ट अ पॉपकॉर्न। तो फिर हमने पॉपकॉर्न बनाया और फिर मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी कि इसमें आपने ऑयल डालना है, फिर आपने सॉल्ट डालना है, फिर आपने कॉर्न डालने हैं और उसके बाद आपने ढक्कन ताक देना है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर ढक्कन ढाक देना है, आपने अपने लिड जो है रख देनी है और उसके बाद ये पॉप होना शुरू हो जाएंगे टक 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 टक। और हादी साहब को ज़रा चूल्हे से पीछे रखें क्योंकि ओवन को चलाते रहते हैं, कभी क्या करते रहते हैं कभी क्या करते रहते हैं। चूल्हे बंद किए और उसके बाद वन इज योर्स वन इज माइन ओके वेट वेट टू इज योर्स टू आर माइन Okay. Three is yours. Okay. Three are mine. Okay. Yes. Good to go? Yeah. Equally divided? Yes. Good. You can have this. I want it. फिर इस पॉइंट पे सारे घर में सो गए थे और मैं और हादी बचे थे और हमारे पास कुछ नहीं थे करने को, तो हम खेल रहे थे। तो मैंने कहा ये शूट कर लेते हैं कहीं काम आ जाएगा। फिर आपकी बहन कसाई बन गई। कसाई आप अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर चला देती हूँ, इफ़ अ गर्ल कैन चॉप मी शी कैन ऑल्सो चॉप यू बी अवेयर। जी इस पॉइंट पे मैंने थोड़ी सी सस्ती जो है वॉइस एक्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन हाँ भाई हमने यहाँ पे वॉच कटकट कटकट बन रहा है और आराम से भाई बोटियाँ शोटियाँ बना रहे हैं हम, मज़ा आ रहा है। तैयार शहर हो के सामने यही काम करना होता, तो अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हो रहे तो कोई एहसान नहीं कर रहे ज़िंदगी पर ना किसी और पर। तैयार शहर हो जो काम तो सब नहीं करने होता, तो तैयार शहर हो और काम करो, काम करना चाहिए आपके कहते हैं सुभाग है ये। फिर उसके बाद हम बनाएंगे कलेजी और मेरे हाथ खून से रंग गए हैं। देखिए ये होते हैं खून से हाथ अपने रंगना, और अच्छी तरह खून से हाथ रंगने के बाद हमने कहा चलो अब धो देते हैं, ज़्यादा वीडियो शूट हो गई है। अच्छी तरीके से हमने कलेजी को धो लेना है। अच्छा इस पॉइंट पे आपकी बाजी ने आपके साथ जो है कलेजी बनाने की रेसिपी भी शेयर की। आपने स्ट्रेनर में कलेजी डाल देनी है और नीचे एक बॉल रख देना है ताकि मैस ना हो। उसके बाद अपने गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट ये सब लेके क्वांटिटीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रीन चिली भी डालते हैं, मैं भूल गई, मेरी अम्मा इस पर मुझे कमेंट्स में ही बातें सुनाएंगी, नहीं अलग से सुना दीजिएगा अम्मा जान। तो बस इसमें आपने ऐसे अच्छी तरह मिक्स 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 और मैं अच्छी तरह कसर निकाल रही हूँ कि एक एक जो है हमारी कलेजी के पीस पे मसाला लग जाए। तो उसके बाद हमने जो है ऑयल डालना है, कुछ नहीं करना बस इसको ऑयल गर्म होगा थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, उसमें इसको डालना है और मिक्स 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 थोड़ा भून लेना है अच्छे तरीके से। और फिर ये भूनने में थोड़ा सा मतलब एक दो मिनट के बाद ये इस तरह की कलर की हो जाएगी। इसको आपने अच्छी तरीके से भूनने देना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पकाओ। उसके बाद साथ हम ये रोटी भी बना रहे थे बिकॉज ये देखें मैंने सस्ती शोखी मारी होगी, हाँ, और ये देखें मैं गोल रोटी बना सकती हूँ, ओके गोल रोटी ही बनाती हूँ। तो ये टड़ा टड़ा फिर ये हमने अच्छी तरीके से एक साइड पे हमारी कलेजी भुन रही है क्योंकि हम अभी बीमार हैं, तो उनके लिए सादी रोटी और ये जो है ये हमारी सादी रोटी हमने घुमा दी है और ये चिकन का सालन है जो हम उनको देंगे। ये हमारी कलेजी भुन रही है अच्छी तरीके से, कलेजी भुन जाओ भुन जाओ भुन जाओ यहाँ पे बोलने से नहीं भुनेगी, कलेजी आई भुन जाएगी। उसके बाद ये हमारी रोटी फूलना शुरू हो गई है। एट दिस पॉइंट हमने अच्छे से भून लेना, हमारी कलेजी तैयार। फिर हमने जो है नूडल्स बनाए बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं कलेजी वगैरह, तो हमने जो है सॉस पैन लिया, उसमें इतना सा पानी उंगली की से मैं बता रही थी और फिर हमने देखा कि हमारा सॉस पैन टेढ़ा पड़ा हुआ है और हमारी अम्मा ने देख के हमें बातें सुनानी है। और फिर हमने डाले नूडल्स, ये जो है बच्चों के लिए बनाने थे तो मैंने मिक्स कर दिए और बिलीव मी इट वाज सो टेस्टी कि मुझे तीन दिन में कोई 4-5 दफ़ा बनाने पड़ा। फिर हमने जो है मसाले निकाल लेने अपने और ये हमारे जो रैपर्स हैं उसकी रूह तक से जो है ये छोटे छोटे पीसेस निकाल के डाल देने क्योंकि कुछ भी ज़ाया नहीं करना। और फिर ये हमने कचरा डालना डस्टबिन में और ये हमारे जब हो जाएंगे नूडल्स तो मतलब
बस निकालने वाले होंगे, तो उसके 30 सेकंड्स पहले हमने सारे मसाले डालने, और मसाला कुछ रह गया था तो मैं अच्छी तरीके से निकाल रही थी, और मिक्स 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 मिक्स, ये भाई मैं प्रोफेशनल शेफ़ की तरह अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसको ऊपर करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ज़रूरत नहीं है, लेकिन सस्ती शोखियाँ मारनी है, वो पंजाबी वर्ड होता है शोखियाँ, वो तो मारनी मारनी है भाई चूल्हा। फिर हमने जो है उसको नीमा नीमा करके बंद कर देना है, और ये हमने निकाल दिया साइड से, हम ठीक कर देंगे, क्योंकि जो आंटीज हैं हमारी वो कहीं कितनी नासुगड़ लड़की है, सुगड़ का उल्टा नासुगड़ होगा, आई डोंट नो, जस्ट लेट मी नो अगर किसी को बता दो। ये हमारे पास स्लो मोशन है तो हम दिखाएंगे, मतलब देखो यार कितना मज़े का ये धुआं सा उठ रहा है हमारे नूडल्स में से, और ये हमारे नूडल्स हैं, और हम इसको दिखाएंगे ऊपर तक उठा के कि हमारे नूडल्स इतने लंबे, क्योंकि हमने पूरा जो उसका केक था हमने वैसे ही डाला था। तो अब हम ये दिखाएंगे कि प्याज कैसे काटते नहीं, मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि जब आपने प्याज काटना है तो हाउ कैन यू कंट्रोल योर टेयर्स, तो आपने पानी लेना है एक बाउल में, और उसके बाद जब आपने करना है उसको कट करके बाउल में डाल दीजिएगा पानी में, ताकि वो थोड़ी देर सोख होंगे, तो उसमें से आपके जो है मतलब इतने ज़्यादा आंसू नहीं बहेंगे, जो रोना धोना आपका स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो है ये स्टार्ट हो जाती है, तो ये नहीं होगी क्योंकि आपको मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा ब्लॉग बना रही हूँ, मेरा कौन सा कंटेंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, फैमिली ब्लॉग है ये हमारे खाने पकाने के, फिर ये पता नहीं मैं क्या बनाना शुरू हो गई दोबारा, ओ यस हम फिर दोबारा जो है पॉपकॉर्न बना रहे थे, क्योंकि हादी साहब को चाहिए होते हैं पॉपकॉर्न, तो ये हमने पॉपकॉर्न बनाया और ये बाउल निकाल दे दिए। अच्छा फिर ये हमारे जूजू हैं और ये मेसी हैं, सचा मैस, इन दोनों को बिल्कुल लिटरली मैं नहला के निकली थी, और मैसी की हालत देखें, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गंदे कूड़े से घूम के आए, इतना गंदा हो रहा था ये, मुझे गुस्सा आ रहा था, मतलब दोनों को साथ नहलाया, वो इतना साफ़ सुथरा शरीफ बच्चा कोने में बैठा, और ये गंदा गलीस हो गया था। फिर ईद का दूसरा दिन आ गया और हमें तैयार हो गए, क्योंकि दावत भी थी एक, तो फिर हम लोग गए बाहर जो है सब घूमने के लिए नाइट आउट के लिए, तो फिर हमने गाने चलाए हुए थे थोड़े थोड़े से गाने, आप इन्जॉय करें, आई डोंट नो कॉपी राइट का क्या मसला होता है, मैं थोड़ा सा लो वॉल्यूम कर दूँगी गानों का, और कॉपी राइट का एडिटिंग का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, आई एम जस्ट लर्निंग एंड आई जस्ट पुट माई स्किल्स, इतनी भी मेरे पास थोड़ी बहुत थी, तो मैंने कहा चलो यार जिससे भी है, मतलब बस अब मैंने कहा था कि मतलब अगर ईद पुरानी हो गई तो फिर मस्ता नहीं आएगा तो फिर मैंने कहा चलो यार जैसी भी है हमारी वीडियो हम इसको डाल देते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास व्यूअर्स कितने हैं, फिर उस हिसाब से हम आके वीडियोज़ बनाएंगे और ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर मुझे इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिले तो आई माइट क्विट। यहाँ पर फैमिली आउट में हमने लूडो खेला, और लूडो के बाद हम घर चले गए। फिर हमने यहाँ पर मैं आपको रात का व्यू दिखाना चाहती थी, एक्चुअली मैं आपको चांद दिखाना चाहती थी, बट चांद इतना दूर था, ब्लर था, तो वो दिख नहीं रहा था सही तरह। फिर मैंने दो तरह की चीज़ें दिखाई, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई व्लॉग, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू एंजॉयड इट लाइक इट कमेंट इट एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल, पीस आउट एंड कीप फॉलोइंग मी, एंड यस ऑल्सो